हाल ही में हमारे कुलाबा विधानसभा के MLA राहुल नार्वेकर जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी है, उन्होंने MMRDA के साथ, उनके कमिश्नर के साथ एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने ये विषय कवर किया कि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हमें एक नई ब्रिज की निर्माण करने की ज़रूरत है, और वो ब्रिज कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आज मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। ये देखिए, यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा ये दीवार की मैं बात कर रहा हूँ। इस दीवार से जो ब्रिज का अगर निर्माण होगा तो वो इस दीवार से स्टार्ट होगा और यहाँ से जितने भी स्लम्स है वो उस तरफ लेके जाएंगे। पर अभी चौड़ाई पर आते, फिर से इस दीवार से स्टार्ट होगा और अंत किस दीवार पे होगा, मुझे लगता है ट्रांजिस कैंप के यहाँ पर एक शाखा है, उस शाखा को लगकर जो वॉल जाती है वो शायद से हो सकता है इस ब्रिज का चौड़ाई में अंत। ये जितना बेल्ट है आप लोग देख रहे हो, कैमरामैन अगर आप लोग सही से दिखा पाओगे तो वो वॉल से हम कनेक्ट करेंगे और शाखा जहाँ पर है उसका अंत वाला दीवार हो सकता है। तो ये शायद से ब्रिज की चौड़ाई के निर्माण में शायद से जा सकता है। और अगर वो शाखा का जो हम लोग वो पट्टा पकड़ते हैं तो पट्टा कनेक्ट करता है सीधा, आप लोग देखिए वहाँ से ये जितनी भी यहाँ पर झुग्गियाँ है ये सब चीज़ें उस ब्रिज के अंदर जाएगी और ये सीधा तौर से जा रहा है सी फेस की तरफ, जो समुद्र है उससे कनेक्ट करेगा। यानी कि जो ये आर्टिकल में मैप दिया है, आप लोग को उस मैप के जरिए मैं समझाने का प्रयास किया। तो स्वागत है आप सभी का महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ अभिषेक। आज आप लोग ये सवाल करते रहोगे कि आपकी वो बूम कहाँ है, हमारी माइक कहाँ है। अगर ऐसे चलते रास्ते पर अगर आप लोगों को इंटरव्यू देना होता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, कारण हम चलते वक्त आप लोगों को कवर कर कर ठीक तरीके से विषय कवर कर नहीं पाते और समझा नहीं पाते, सबसे तो इम्पॉर्टेंट वो होता है। इसीलिए हमने आज प्रयास किया कि माइक ना हो, एक कॉलर माइक लगाकर आप लोगों को समझाने का प्रयास करें। आज आप लोग पूछोगे कि अभिषेक तू यहाँ पर है कहाँ पर, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ तो मैं कफरेड के इलाके में हूँ। हाल ही में एक विषय उठाया था हमने कि यहाँ पर कफरेड इलाके में एक नई ब्रिज की निर्माण होगी। कौन से ब्रिज की निर्माण होगी उसके बारे में आप लोग को बताते हैं। हम कोई कोस्टल रोड की बात नहीं कर रहे, हम एक नई ब्रिज की निर्माण की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हाल ही में हमारे कुलाबा विधानसभा के MLA राहुल नार्वेकर जी, जो विधानसभा के अध्यक्ष भी है, उन्होंने MMRDA के साथ, उनके कमिश्नर के साथ एक बैठक की। उस बैठक में उन्होंने ये विषय कवर किया कि ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण हमें एक नई ब्रिज की निर्माण करने की ज़रूरत है और वो ब्रिज कहाँ से होगा, कैसे होगा, उसके बारे में आज मैं आप लोग को जानकारी दूंगा। अभी ऑन ग्राउंड आकर मैं आप लोग को ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो ब्रिज अगर बनने की तैयारी होती है तो वो ब्रिज कैसे बना जाएगा, कि यहाँ के जितने भी स्लम्स है, झुग्गियाँ है, जो 95 के समय से रहते आ रहे हैं, उनका रीडेवलपमेंट होने के बाद उनको एक नए बिल्डिंग की SRA के प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको डेवलपमेंट करने के बाद वो ब्रिज निर्माण होगा कि उससे पहले होगा। हिंदुस्तान टाइम्स में हाल ही में एक आर्टिकल छपा है जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि MMRDA के कमिश्नर के साथ हमारे राहुल नार्वेकर जो विधायक हैं यहाँ के, उनकी बैठक पर ये बात हुई है कि नए ब्रिज की निर्माण तो होगी। यहाँ के रहवासियों के साथ वो मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में ये आर्टिकल में ये बताया गया है, मैं आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ वो आर्टिकल के माध्यम से दे रहा हूँ। हिंदुस्तान टाइम्स आर्टिकल कहता है कि यहाँ के जितने भी रहवासी हैं जो उस जगह पर आते होंगे, उनके लिए एक SRA प्रोजेक्ट के अंतर्गत उनको रीडेवलपमेंट करेंगे और उसी के साथ यहाँ के ट्रैफिक को रिड्यूस करने के लिए, मात्रा ट्रैफिक का जो जनसंख्या है उसी की वजह से ट्रैफिक इशू होता है, उसे कम करने के लिए एक नई ब्रिज की निर्माण होगी। वो ब्रिज की निर्माण कैसे होगी वो मैं आप लोगों को मैप के ज़रिए बताऊंगा। सबसे पहले तो उस आर्टिकल में मैप के ज़रिए बताया गया, आपको स्क्रीन पर आता होगा कि यहाँ पर टू वे ब्रिज बनाया जाएगा, टू कनेक्टर वे ब्रिज बनाया जाएगा। सबसे पहले एक तो जो नरीमन पॉइंट से बदवार पार्क की तरफ आएगा और दूसरा नरीमन पॉइंट से सिद्धू वासवानी रोड की तरफ आएगा। सिद्धू वासवानी रोड यही है, यहाँ पर वो ब्रिज कनेक्ट होगा। हम अजम्पशन करते हैं कि यहाँ पर कफरेड इलाका है, कफरेड में पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन के इस तरफ देखोगे तो यहाँ से धोबी घाट स्टार्ट होता है और आपके पीछे मैं आप लोगों को बताऊँगा तो वहाँ पर स्लम इलाका है, वहाँ पर टॉयलेट्स है
और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा कि ब्रिज बन कैसे सकता है। अगर आप मेरी बातों को समझ रहे हो तो मैं थोड़ी और प्रयास करूंगा आप लोग को समझाने की। मैं किस लिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि जो नरीमन पॉइंट से थर्ड ब्रिज की निर्माण होगी वो वहाँ से तो स्टार्ट होगी परंतु यहाँ पर आकर ख़त्म होगी। किस इसीलिए क्योंकि उन्होंने यहाँ पर नाम दिया है साधु वासवानी रोड, वो यही है। और अगर आप बात करें तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर आप देख सकते हो शौचालय है, शौचालय के पीछे ही एक खाली प्लॉट है जिसे रिजर्व एमएलए क्लब बनाने वाले हैं वहाँ पर, ऐसी विचार है और इसीलिए वो प्लॉट खाली रखा है। और उसी के बगल में आप लोग देखोगे तो वहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, तो वो ब्रिज कहीं ना कहीं यहाँ से तो आ नहीं सकती है। अगर ये मैप जो दिया गया है वो सच है तो हम समझ रहे हैं कि ब्रिज जो नए ब्रिज की निर्माण होगी वो यहाँ पर समाप्त होगी। अब आप लोग को मैंने पहले ही बता दिया कि ये शौचालय जो है इसके पीछे एमएलए रिजर्व प्लॉट है जो खाली पड़ा है, जो क्लब बनेगा, और उसी के बगल में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। तो ये कोई भी अपेक्षा हमें लगता है कि यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा ये प्लॉट के लिए और वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के लिए। अब कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ हो सकता है, ये आप सीधी तरह से आप एक वॉल देखिए, जो प्लॉट के बाजू में एक वॉल है उसको लगभग पकड़ के स्ट्रेट वॉल एक जा रहा है, तो हम ये अपेक्षा कर सकते कि शायद से ब्रिज की निर्माण है वो ये वॉल से स्टार्ट होगी। और मैं आप लोग को बताऊँ तो इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो ये पॉसिबिलिटी नहीं दिखाती है कि वो ब्रिज के जितने भी व्हीकल्स आएंगे, जो भी गाड़ी आएंगे वो इस रास्ते से जुड़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रास्ते की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी, तो वो चौड़ाई शायद से हमें लगता है कि ये जितने भी स्लम्स हैं इनको हटाकर या इनकी रीडेवलपमेंट कर वो ब्रिज की जो चौड़ाई है वो वहाँ पर समाप्त कर सकते हैं। कहाँ पर समाप्त करते हैं मैं लेकर जाता हूँ आपको, आपको बताता हूँ कि वो कहाँ पर समाप्त होगा। परंतु वो ब्रिज अगर यहाँ पर समाप्त होता है तो वो ब्रिज यहाँ से स्टार्ट होगा। आप इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए, एक ब्रिज जहाँ पर ख़त्म होता है वो ब्रिज की शायद से रास्ते यहाँ से स्टार्ट हो सकते हैं और समाप्त वहाँ पर होंगे। तो इस एरिया को यूटिलाइज़ किया जा सकता है। पर वो दीवार को मैं अच्छी तरीके से आप लोगों को बता देता हूँ, आ जाइए, वो दीवार ये है, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिखता होगा ये दीवार की मैं बात कर रहा हूँ। इस दीवार से जो ब्रिज का अगर निर्माण होगा तो वो इस दीवार से स्टार्ट होगा और यहाँ से जितने भी स्लम्स है वो उस तरफ लेके जाएंगे। अभी वो अंत कहाँ पर होगा उसकी जो चौड़ाई की मैं बता रहा हूँ, लगभग मेरे पास कोई नंबर नहीं है आप लोग को बताने पर, मुझे ऐसा लगता है कि टू वे कनेक्टर होगा कि जाने वाली वाहन और आने वाली वाहन एक ही ब्रिज पर हो सकती है। अगर वो यहाँ से स्टार्ट होता है चौड़ाई में, अगर आप लोग समझ रहे हो चौड़ाई में, अगर इस दीवार से स्टार्ट होता है तो अंत कहाँ होगा ये मैं आप लोग को बताता हूँ। पर अगर इस ब्रिज की निर्माण होती है और वो ये दीवार से होती है और इस दीवार से ही क्यों अगर आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोग को बता दिया कि उस तरफ एमएलए रिजर्व क्लब का प्लॉट है, वो खाली पड़ा हुआ है, परंतु यहाँ से इस दीवार से स्टार्ट होगी और संभावना है कि वो उस तरफ पूरी जाए और वो ब्रिज ऐसे आएगी जो वाहनों को सीधे कनेक्ट करेगी सिद्धू वासवानी रोड से। समझ रहे हो तो प्रयास कीजिए, नहीं समझ रहे हो तो आकर मिलिए, नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा, आकर मिलिए, हम आपको समझाएंगे। पर ये जितने भी स्लम्स है वो संभावना है, अगर ब्रिज बनने का बात हो रहा है हिंदुस्तान टाइम्स पे, तो इस स्लम्स को या तो रीडेवलप कर नहीं यहाँ पर ब्रिज बनाएंगे या तो इसको शिफ्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ये हमारे विधायक राहुल नार्वेकर जी ही बता सकते हैं कि क्या प्लान है। हम लोगों को ये तो बता दिया कि इस ब्रिज की अगर निर्माण होती है तो वो शायद ये वॉल से होगी जो मैंने दीवार आप लोगों को बताया, पर अंत कहाँ होगा? अंत मुझे लगता है ये दीवार से अगर आप लोग देखोगे तो शायद से वो शाखा जो स्टार्ट होता है वो पट्टा अंदर का जाएगा पूरा इस ब्रिज की चौड़ाई में। और आप लोगों को शाखा का अगर नज़रिया देखना है तो मैं अंदर आप लोगों को लेकर जाता हूँ। ये जितना बेल्ट है आप लोग देख रहे हो, कैमरामैन अगर आप लोग सही से दिखा पाओगे तो वो वॉल से हम कनेक्ट करेंगे और शाखा जहाँ पर है उसका अंत वाला दीवार हो सकता है। तो ये शायद से ब्रिज की चौड़ाई के निर्माण में शायद से जा सकता है। तो आइए दिखाते हैं। तो ये आप लोग देख रहे हो, ये पूरी बीच की जो स्पेस है वो पूरी ब्रिज के निर्माण के लिए उपयोगित हो सकती है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को जो शाखा की बात कर रहा था वो शाखा सामने है,
ये एक शिवसेना का शाखा है, बट ये जो शाखा का जो वॉल है, दीवार है, ये दीवार अंत होता है इस ब्रिज के निर्माण में। अगर हमारा जानकारी सही है तो ये जो दीवार सामने आप लोगों को दिख रहा है, ये जो दीवार है स्ट्रेट, ये जो दीवार है स्ट्रेट, ये पीछे पूरा स्लम को कवर करेगा, इस बेल्ट को कवर करेगा। आप लोगों को अगर समझाए तो जो दीवार मैंने आप लोगों को पहले बताया था, उस जो दीवार मैंने आप लोगों को पहले बताया था, वो दीवार से ब्रिज की चौड़ाई स्टार्ट होगी। अगर चौड़ाई में देखोगे तो वहाँ से ये जो है वो अंत होगा चौड़ाई के लिए। समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इसका मैप का डिज़ाइन है जो हम आपको नीचे देंगे, और ये जो आर्टिकल है इसका भी डिज़ाइन हम आप देंगे। अब आप लोग कहोगे कि इतना बीच का हिस्सा अगर ब्रिज के लिए जाएगा तो ये ब्रिज सीधे तरीके से कहाँ जाएगा? ये जाएगा सी फेस पे, जैसे मैप में कह रहे हैं वो सी फेस पे जाएगा। और इसका भी बेल्ट मैं आप लोग को समझा देता हूँ, ये शुरू होता है पर बीच में ट्रांजिस कैंप की बिल्डिंग्स आती है, उसे ये लोग ब्रिज के निर्माण के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। पर आप लोगों को मैं आगे की हिस्सा बताता हूँ कि ये जो बेल्ट कहाँ पर जाता है और वो सीधे तरीके से सी फेस के और जाएगा, चलिए वो भी देखते हैं। आप लोगों को मैंने अभी हाल ही में एक शाखा बताया जहाँ पर इस ब्रिज की चौड़ाई की अंत होगा, और अगर वो शाखा का जो हम लोग वो पट्टा पकड़ते हैं तो वो पट्टा कनेक्ट करता है सीधा, आप लोग देखिए वहाँ से ये जितनी भी यहाँ पर झुग्गियाँ है ये सब चीज़ें उस ब्रिज के अंदर जाएगी, और वे सीधा तौर से जा रहा है सी फेस के तरफ जो समुद्र है उससे कनेक्ट करेगा। यानी कि जो ये आर्टिकल में मैप दिया है, आप लोग को उस मैप के ज़रिए मैं समझाने का प्रयास किया कि जो ब्रिज अगर यहाँ पर निर्माण होगी तो यहाँ पर जितने भी इस वो शौचालय के बाजू वाला दीवार से लेकर ये शाखा का जो पट्टा है, इनके बीच में जितने भी झुग्गी आते हैं, घर आते हैं, स्लम आता है, यहाँ पर जितने भी परिवार इनसे जुड़े हैं, इनका क्या होगा हमें पता नहीं। प्रश्न ये है कि आर्टिकल कहता है वी विल बी डेवलपिंग न्यू होम्स फॉर देम, एंड यहाँ पर बोला है कि गणेश मूर्ति नगर विल बी गेटिंग रीडेवलप्टेड इंटू SRA प्रोजेक्ट। ये बोल रहे हैं कि हम इसे न्यू प्रोजेक्ट में डेवलप करेंगे इस इलाके को, परंतु डेवलपमेंट की बात नहीं चल रही है, ब्रिज की बात चल रही है। तो हमें ये विचार आता है कि सबसे पहले रीडेवलपमेंट की बात किया जाए, फिर ब्रिज की निर्माण की बात किया जाए। पहले ब्रिज की बात कर रहे हो तो लोगों को डर है कि कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर ही इन्हीं के इलाके में घर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस तरह की शक सामने आते हैं। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि इसके ऊपर जितने भी रहवासी है वो समझे कि MMRDA की तरफ से हमारे विधायक जी ने मीटिंग की है, और उस मीटिंग में इस तरह की इस विषय पे बातचीत हुई कि नए ब्रिज की निर्माण की जाएगी, जो नरीमन पॉइंट से बद्वार पार्क और दूसरी जो है वो नरीमन पॉइंट से सिद्धू वासवानी रोड, जो आप लोगों को मैंने हाल ही में बता दिया भार की तरफ। अभी आप लोगों को जानकारी इस विषय पर देने के लिए काफ़ी और भी लोग हैं। सबसे पहले तो हम हमारे जानकारी के लिए हमारे जो इलाके के आमदार है और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं राहुल नार्वेकर सर रिस्पेक्टेड, उनसे भी बात कर कर ये पूछेंगे कि इसके ऊपर वो जानकारी दे, और कोशिश ये करेंगे कि इसको और विस्तार से समझा पाए। परंतु आप लोग ये देखिए, ये जो बेल्ट है वो सीधे तरीके से सी फेस के और जाता है, समुद्र के और जाता है, और ये मैप में बता रहा है कि नए ब्रिज की निर्माण की जा सकती है। यहाँ पर लिखा गया था कि 18 सितंबर को एकनाथ शिंदे जी, जो हमारे महाराष्ट्र के CM है, और इन्हीं के साथ डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी के साथ भी उनकी मीटिंग होगी। इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, पर हम कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों के सामने ये जानकारी लाकर बता पाए कि क्या इसके रिगार्डिंग आगे बातचीत हो रही है। तो बने रहिए महाराष्ट्र बंधु के साथ। अभिषेक ग्राउंड पर आज माइक नहीं है, क्योंकि अगर माइक होती है तो लोग जमे हो जाते, इसीलिए हमने प्रयास किया कि कॉलर माइक के साथ हम ग्राउंड लेवल पर आकर आपको समझा पाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वैसे आप लोग का सपोर्ट निचले स्तर पर काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग का प्यार बहुत है। बने रहिए महाराष्ट्र बंधु को चैनल सब्सक्राइब कर कर, कमेंट पर बताइए कि आपको वीडियो समझने में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो नीचे नंबर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉल कीजिए और विस्तार में इसकी जानकारी लीजिए। समाप्त करते हैं, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।